आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने YouTube वीडियो पर ऑटोमेटिक सबटाइटल्स को कैसे ऐड किया जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube का स्टूडियो खोलना है, फिर अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है और एडिट पे क्लिक करना है। ये एक 100% वर्किंग मेथड है, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबटाइटल्स ऐड करने से पहले आपको क्या देखना है, अपनी वीडियो की लैंग्वेज देखनी है नीचे आके। अब उदाहरण के तौर पर मेरा जो वीडियो है हिंदी में है, ठीक है, तो इसकी जो वीडियो लैंग्वेज है ये भी हिंदी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी वीडियो लैंग्वेज डली है, तो मुझे इसको चेंज करके इंग्लिश वाली को हिंदी कर लेना है, ठीक है। तो मैं वीडियो लैंग्वेज चुनता हूँ और यहाँ पर हिंदी दबा देता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो लैंग्वेज जो है हिंदी कर ली, उसके बाद मैं सेव करना है इसको। आप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो की लैंग्वेज है हिंदी हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी आपकी वीडियो की लैंग्वेज हो, पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और सेव कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ सबटाइटल्स पे आना है। फिर आपको यहाँ इस तरीके से दो ऑप्शन दिखेंगे, एक वीडियो लैंग्वेज जिसको आपको ऐसे ही रहने देना है, और एक है ऑटोमेटिक लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट एंड एडिट पर क्लिक करना है, कंटिन्यू दबाना है। आप देख सकते हैं आपकी हिंदी वाली लैंग्वेज आ चुकी है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो हिंदी वाली लैंग्वेज है आप उसको अच्छे से पढ़ लें, कहीं किसी शब्द की गलती है तो आप उस शब्द को ठीक कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। उसको ठीक करके फिर चेक करके अच्छे से पब्लिश दबा देंगे। अब पब्लिश दबाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज दबाएंगे। आपको जो भी भाषा ऐड करनी है वो चुन लेंगे। उदाहरण के तौर पे मुझे इंग्लिश चुननी है, तो मैं इंग्लिश चुन लेता हूँ लिस्ट में से इंग्लिश। और इसके बाद मुझे यहाँ सब टाइटल स्पैनर ऐड दबाना है। अब मुझे क्या करना है, ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं मेरे सब टाइटल्स हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए अपने आप ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको पब्लिश दबाना है। अब आपकी वीडियो में जो है इंग्लिश के सबटाइटल ऐड हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।